ये देखो वॉचमैन अंकल मुझे ना सी ऑफ करने के लिए आए रोड तक। पूरा अंधेरा है यहाँ पे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी ना। गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी बज रहे सुबह के 5 और मैं निकली हूँ, नीचे आई हूँ मैं। और घर में मैंने किसी को बोला नहीं क्योंकि गुनास हो रहा था, मम्मी का भी बेडरूम लॉक था, तो मैंने किसी को बोला नहीं कि मैं बाहर निकली हूँ करके। चुपचाप धीरे से ना शूज़ पहने और फिर निकल गई हूँ। वैसे मैं निकली हूँ वॉक के लिए और अभी पूरा अंधेरा, अभी उजाला हुआ नहीं है। सुबह का 5 बज के गए लेकिन अभी तक सुबह का उजाला हुआ नहीं है। आवाज़ एकदम बैठ गई है, आवाज़ नहीं निकल रही है। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज का व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। ए बाबू, तू काय करतो सकाळी सकाळी उठून बसला बाबू? तू ये देखो जागी रहा है बाबू। कोई खास रहा है बिल्डिंग में? ये देखो ये भी जाग रहा, देखो गया। किसी की तबीयत खराब है लगता है। सुबह सुबह एकदम सन्नाटा, आवाज़ नहीं है एकदम बिल्कुल भी बिल्डिंग में। ये देखो वॉचमैन अंकल मुझे ना सी ऑफ करने के लिए आए रोड तक। पूरा अंधेरा है यहाँ पे। एक्चुअली सुबह अभी क्या बोलते ना, उजाला नहीं हुआ है ना, तो अभी समझ में नहीं आ रहा। पब्लिक बिल्कुल भी नहीं है रोड पे, तो अभी मैं मेन रोड पे चल चल के जाती हूँ, तब तक देखती हूँ। वैसे डॉग्स बहुत है यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है। वैसे एरिया तो सेफ है बट स्टिल पूरा अंधेरा है ना। वॉचमैन अंकल पीछे ही खड़े ही है, वो बोले आप जाओ, मैं रोड तक लगने तक ना देखते रहता हूँ आपको। सामने से भी गाड़ी आ रही है एक। मैं ना अभी मेरे बिल्डिंग के ना जस्ट गली के बाहर निकली हूँ मेन रोड पे और पूरा अंधेरा है यहाँ पे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं आगे वॉक करूँ या रुकूँ थोड़ी देर यहीं पर, तो समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा था चाहे वॉक करूँ कि वहीं पर रुकूँ, बट फिर भी मैंने रास्ता पार कर लिया। पीछे देख सकते हो कितना ज़्यादा अंधेरा वो रोड पे, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। हाँ, फिर दिमाग में आया यार, लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो चुकी है ना, इतनी सारी चीज़ें हो चुकी है, अब और क्या ही बचा है मेरे साथ होने के लिए। हाँ चलते, ये भी देख लेंगे। बट बाय गॉड ग्रेस कुछ हुआ नहीं, आ गए उजाले में। बहुत अच्छा लगता है पता, जब एकदम अंधेरे में एक एक पेड़ संभल संभल कर डालो और वो ना रास्ता पार कर लो ना एक बार, और जब उजाले में आ जाते हैं ना, बहुत सुकून मिलता है। बस उसी कश्मकश में लगी हूँ जिंदगी के, बस उस चीज़ में से बाहर निकल जाओ एक बार। जैसे निकल गई ना, लाइफ स्टेबल हो जाएगी थोड़ी सी। बट ठीक है, ये भी क्या बोलते ना, ये वक्त भी गुजर जाएगा, जैसा आया है वैसा गुजर जाएगा। और आज मेरे साथ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इतना टाइम पास करते करते 6:15 हो गए लेकिन अंधेरा देखो, अंधेरा जा नहीं रहा, उजाला हो नहीं रहा। रास्ते पे इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे हैं मुझे, उनके भी चेहरे मुझे ना धुंधले धुंधले लग रहे हैं क्योंकि मैंने चश्मा नहीं पहना। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखो पूरा अंधेरा ही अंधेरा। सुबह के बज गए 6 और अभी भी उजाला नहीं हुआ है। ये देखो पूरा अंधेरा ही है, बट ये रोड पर लाइट है और थोड़ी बहुत पब्लिक भी है, एक हाथ दो लोग वॉक कर रहे हैं और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चल रही है और मैं भी चल रही हूँ। सारा मोटिवेशन ख़त्म हो गया रे, मतलब रात भर सो ही नहीं थी यार। पता है लाइफ के ऐसे स्टेज पे पहुंच गई हूँ ना कि साला वॉक करने के लिए ना कोई बोले यार थोड़े से पतले हो जाओ, अच्छे लोगोगे, थोड़ा वेट लूज कर लो,
या कोई मोटिवेशनल स्पीच देख लूँ ना, घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, जब दिल टूट जाता है ना तो पूरी रात नींद नहीं आती और फिर ऐसा लगता कि क्या करें, और तभी फिर ऐसा लगता कि चलो अभी वॉक पे चले जाते करके। तो वो हिसाब से वॉक पे निकली हूँ। आप लोगों के साथ ऐसा होता तो कमेंट करके बताना ऐसा होता है करके, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसे ही होता है यूजली। बट दिल बहुत टूट गया था इसलिए वॉक पे निकली थी। अभी पैर हालत ख़राब हो गई, अभी मैं ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 2.5 किलोमीटर चल चुकी हूँ। आगे थोड़ा बाकी है वॉक करना। बात करते करते आप लोगों के साथ कंटिन्यू करती हूँ, तो अभी थोड़ा सा आगे और जाऊँगी वॉक करते करते। मतलब जो ये मेन रोड जो ख़त्म होता है ना टर्निंग पे, वहाँ तक जाऊँगी। समझ में नहीं आ रहा रिटर्न कैसे जाऊँ। मतलब रात भर रोई थी तो मोटिवेशन मिला था वॉक करने का, अब इधर तक तो पहुँच गई, अब रिटर्न जाने के लिए क्या मोटिवेशन लेके आऊँ मैं, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। वही सोच रही हूँ, जुगाड़ में लगी हुई हूँ। पैर है ना उठने का नाम नहीं ले रहे, अभी हिलने का नाम नहीं ले रहे। लोग मेरे सामने दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, मुझे चलने को नहीं हो रहा है। ओह गॉड, क्या जिंदगी है। पीछे देखो रोड पूरा खाली है, इतना ठंडा ठंडा और मस्त हवा चल रही है ना, और ये पेड़ों की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, मस्त एकदम। ये देखो ये विरार का जो नाका ना, यहाँ पे ये ना बच्चा और ये इसकी मम्मी है। ये बच्चे और इसकी मम्मी अभी सोए थे और उनको इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना, देखो कैसे कैसे ना अपने मम्मी के पास में सरक सरक के बैठ रहे। जैसे उसकी मम्मी हिलती है ना आगे, तो वो बेबी है ना सरक सरक के बैठता। उसकी मम्मी एक सेकेंड के लिए उसको छोड़ती नहीं है, यहीं पर ना यहीं पर बैठे रहते हैं ये लोग इसी नाके पर। ये देखो ये फर्नीचर वाला है ना, बस उसके सामने ही यहाँ पे दोनों जन ना, माँ और बच्चा दोनों भी बैठे रहते, ज़रा भी अपनी मम्मी को नहीं छोड़ता। इतनी ठंडी लग रही थी दोनों को, और मच्छर भी बहुत है यार, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मच्छर है। लग रहा है ना मेरे साथ कुछ घोटाला हो गया है। सुबह के 6:30 बज गए हैं और अंधेरा देखो भाई, आज उजाला होने भी वाला है या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना लेट उजाला होता है। दोपहर को उठने की आदत है ना यार, समझ में नहीं आ रहा है कि कब उजाला होगा करके। दिमाग की बत्ती नहीं जल रही अभी तक मेरे, पता नहीं कभी होगा। सुबह के 6:30 बज गए। आप लोगों के यहाँ पर कितने बजे हो जाता है उजाला? बिल्डिंग के पास मैं पहुँच गई हूँ और अभी देखो 7:15 हो रहा है, फिर भी उजाला नहीं हुआ, अंधेरा ही है। और ये स्वेटिंग देख सकते हो आप लोग, थक गए बहुत ज़्यादा। बहुत मेहनत के बाद वॉक किया है मैंने, शर्म आ रही कि कोई सुन ना ले मुझे, और वीडियो बना के यूट्यूब पे डालने वाली हूँ। इसको बोलते कॉन्फिडेंस। तो मोटिवेशन मिल गया था रिटर्न आने के लिए। बैठने को जगह थी वहाँ पर, बट अंधेरे की वजह से मैं कई बार बैठी नहीं, क्योंकि पब्लिक नहीं है, कुछ नहीं है, और मच्छर भी बहुत है। फिलहाल तो अभी यहाँ पर आके बैठी हूँ। यहाँ पर शॉप ओपन हो गई है, सोच रही हूँ जाते जाते दूध लेके जाऊँ घर पे। थक गई बहुत ज़्यादा, थक गई बहुत ज़्यादा, थक गई। सुबह सुबह निकली थी, सोचा था थोड़ा सा दिल हल्का हो जाएगा, बैठूँगी आराम से शांति में ठंडी हवा खाते हुए बैठूँगी, थोड़ी धूप निकलेगी फिर आऊँगी। और अभी देखो अंधेरे में से निकली और अंधेरे में ही घर पे वापस जा रही हूँ। कम से कम मुझे लगता है 1.25 घंटा या 1.5 घंटा हुआ होगा बाहर निकले हुए, लेकिन अभी तक भी उजाला हुआ नहीं। अभी थोड़ा सा कलर देखो मतलब आसमान का चेंज हुआ। और घर पे क्या लेके जा रही हूँ मैं, दूध टोस्ट और बटर लेके जा रही हूँ। और जिस तरह ज़िंदगी में प्यार की कमी हो रही है, धोखा बढ़ते जा रहा है और ट्रस्ट नहीं बचा, वैसे बैंक अकाउंट भी माइनस में चला जा रहा है। बड़ा दिल दुखता है पता है, जब बैंक अकाउंट माइनस में जाता है ना, आप लोगों को तो एक्सपीरियंस होगा ही, बहुत तकलीफ़ होती है। वैसे पता नहीं आज के मेरे व्लॉग में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, बट आज मेरा गला पूरा गया है काम से, थक गई हूँ अभी चल के भी।
और तबीयत भी नहीं अच्छी लग रही है, बट फिर भी अभी घर पे जाएंगी, कॉफ़ी बनाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, सोऊंगी नहीं, अभी नींद नहीं आ रही, रात भर नहीं सोई, अभी भी नींद नहीं आ रही है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन एक चीज़ पता है, एक चीज़ का एक्सपीरियंस लिया है लाइफ में, इतना जब लगता ना कि बहुत ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त आ गया है, अब इसमें से बाहर ही निकल सकते हैं, जब बहुत ज़्यादा दिल दुखता है ना उस वक्त कुछ अच्छा होता है। परमेश्वर देखता है हमारे सब आंसुओं को, देखता है और वो संभाल कर रखता है हमारे आंसू, और हमें उसके बदले में ना और तकलीफ़ नहीं देता, उतनी देता है जितना हम सह सके, और हर बार ना अगली बार मतलब पहली बार से थोड़ी सी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, थोड़ा प्रिपेयर होते हैं ना हम लोग, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं ना वैसे ही, बस और कुछ नहीं। मोटिवेट कर रही हूँ खुद को, बड़ी बड़ी बातें करके आप लोगों को भी मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। लिटरली मोबाइल पकड़ के ना मेरा हाथ पूरा सुन हो गया, मुझे यहाँ पर बहुत अंधेरा देख रहे हो, बहुत ज़्यादा अंधेरा, मोबाइल पकड़ के मेरा हाथ सुन हो गया, इतना ज़्यादा वीकनेस आ गया ना, और मैं जैसे चल रही हूँ ना ऐसे लग रहा है कोई दारू पी के बेवड़ा चलता ना, पैर मार मार के पटक पटक के, अभी कोई है नहीं ना तो दूर से आपको दिखा दी कि मैं कैसे पैर ऐसे ना चल रही हूँ ऐसे ऐसे करके, बट ठीक है, थक गए तो क्या करो, अभी पहुँचना तो है घर पे, इधर नहीं बैठ सकते रास्ते में। जा रही हूँ कब से, लेकिन दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा कनाल, उसको पता ही नहीं है ना कि मैं बाहर गई हूँ घर के घर से। कनाल तो अभी तक सोया हुआ ही है, और काले में मम्मी को जगाया तो फिर मम्मी ने अभी खोला दरवाज़ा, और सुबह की शुरुआत, मेरी दिन की शुरुआत घी से होती है, तो ये मैं घी खा रही हूँ। पहले बहुत अजीब लगता था, बट अभी थोड़ी आदत पड़ गई है, और घी के साथ में ये मैं गुनगुना पानी किया है तो वो मैं पीती हूँ। सुबह सुबह जब घर से बाहर निकली ना, बस एक घूंट पानी पिया था, नींद में से उठी, फ्रेश हुई, एक घूंट पानी पिया, बस ऐसे ही चली गई थी, थोड़ा अलग मूड में थी, बट हाँ अभी फ्रेश होके आई हूँ, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा मुझे, फ्रेश होके आई हूँ तो, और पॉजिटिव लग रहा थोड़ा। यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट में अपने चाय और बटर खा रही हूँ, और देख सकते हो एकदम बैटरी मेरी पूरी ज़्यादा लो हो गई है एकदम, और तबीयत ठीक नहीं लग रही है, फटाफट थोड़ा खाती हूँ तो ज़रा एनर्जी आएगा, अच्छा लगेगा। पे सुबह जब घर पर आई ना तो बहुत नाश्ता वगैरह किया, और बहुत ज़्यादा ना एकदम वीक फील हो रहा था, हालत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि यार सो जाती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चर्च में जाना था, संडे है ना, इसलिए मेरी आवाज़ देख सकते हो एकदम ही मतलब एकदम ख़राब हो गई आवाज़, बोलने को भी बहुत एकदम ज़ोर लगाना पड़ रहा है, तकलीफ़ यहाँ पर बहुत, चेस्ट में ना दर्द कर रहा है मेरे बात कर रही हूँ तो। और अभी मैंने बाइबल पढ़ा है, नहा के फ्रेश हो गई हूँ, अभी फ़िलहाल तो नाइटी पहना है मैंने, अभी कुछ खाती हूँ और उसके बाद मैं फिर रेडी होंगे, क्योंकि कितना बजे पता नहीं, मेरा टाइम भी देगा, मैंने अभी मुझे जाना है चर्च में, जाना है चर्च के लिए रेडी होना है, तो एक दो घंटे में रेडी होना पड़ेगा चर्च के लिए, तो फिर रेडी होंगे। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मुँह देख सकते कैसा हो गया, और आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही गले से, तो वैसे अभी कुछ खाते थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगा तो अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है आज, पता नहीं क्यों, बात करने के लिए भी बहुत तकलीफ हो रही है, एकदम अंदर से आवाज़ निकलनी पड़ रही है, और यहाँ पे ना एकदम हेवी हेवी फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। अभी मैं यहाँ पे खाना खाने को बैठ रही हूँ, और 2:30 बज गए हैं, और ये मम्मी ने बिरयानी बनाया है, बिरयानी इज़ अ कम्फर्ट फूड, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मतलब अभी ऐसे मूड में ना बिरयानी अच्छी लगती है, और इतना अच्छा अरोमा आ रहा है ना उसमें, सो गुड सो नाइस। टेस्टी है बिरयानी एक्चुअली, हाथ से खाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा कंफर्ट लगता है, अच्छे से मिक्स करके खा सकते हैं ना। आपको दूध गर्म करने के लिए बोला था, कॉफ़ी बनाने के लिए, देखो कितने बड़े टोप में दूध गर्म कर रहा है, क्या लड़का है।
चार बजने को आ गए हैं और अभी हम लोग कॉफी पी रहे हैं। फटाफट कॉफी पी के निकलेंगे यहाँ से। रेडी तो हो गए हम लोग, फुल बाइबल वगैरह घेतले, बैग घेतली, जो फटाक से कॉफी पीते हैं और निकलते थोड़ी देर में कॉफी। ये देखो इनका पहले ही अभी ये हो गया, इनको समझ में आ गया, अभी इन्होंने कपड़े पहने जा रहे बाहर। लियो काले हो रहे शाम के। और अभी जस्ट चर्च खत्म हुआ, प्रेयर खत्म हुआ और अभी हम लोग घर पे निकले करके। और हमारे यहाँ चर्च के ना दो सिस्टर्स है, उनकी शादी है नेक्स्ट संडे, तो बस वही सब प्रेयर वगैरह चल रहा था आज, तो उसमें भी बहुत सब लोग रोए। सुबह से आज रोना तो नहीं चल रहा है मेरा। अभी कुणाल ने पता नहीं स्कूटी कहाँ पार्क की, मैंने वो साइड में किया था, पता नहीं कुणाल ने कहाँ पर लगाया, मिल नहीं रही। लोगों ने घर पे छोड़ दिया है, बाइक भी पार्क कर दिया है यहाँ पर, मम्मी चली गई और अभी हम लोग जा रहे हैं, सब यूथ्स मिल रहे हैं एक साथ, तो बस हम लोग वहीं पे जा रहे हैं अभी रिटर्न। चर्च के यहाँ पर ही जाना ना अभी। फिलहाल हम लोग ना खाना ऑर्डर करने के लिए आए हैं, जो सिस्टर्स की शादी है ना, तो उनकी नेक्स्ट संडे को शादी है, तो फिर इसलिए आज उनको थोड़ा पार्टी दे रहे हैं सब यूथ्स मिल के, तो बस खाना वगैरह ऑर्डर करने को आए। केक हम लोगों ने ले लिया ऑलरेडी, तो बस यहाँ पर अभी खाना वगैरह बनेगा और फिर हम लोग लेके जाएंगे, कैसे करेंगे अभी तो ये लोग ऑर्डर ही दे रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर आ गए और मेरा अवतार देखो कैसा हुआ है, एकदम चंपू बन गई हूँ मैं लिटरली। और चर्च के हिसाब से आई थी और ये ऐसी ड्रेस पहन के मैं आ गई यहाँ पर, ठीक है बट कैसा तो भी लग रहा है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम सब लोगों से मिलने वाली हूँ। मिली थी चर्च में लेकिन इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ था ना, तो इतनी बातचीत नहीं हुई थी। और अभी मेरा अवतार देखो ये देखो रिश्ता अभी गिर जाती है बहुत जोर से, मेरा मचका होता है। ये दो सिस्टर हैं, इनकी शादी है और अभी यहाँ पर केक कटिंग हो रहा है और पहले फोटोग्राफी हो रही है केक की। अभी फोटोग्राफी के बाद में अभी केक कटिंग होगा यहाँ पर। दोनों भी सिस्टर ही है और इनकी साथ में ही शादी है एक ही दिन में। अभी मेरा एडजस्टमेंट चल रहा है कौन कहाँ बैठेगा। केक के लिए आशीषित कर मेरे खुदा, ये दोनों बहनों को आशीषित कर मेरे खुदा, ये शादी होके जा रहे अपने घर मेरे खुदावर, उन्हें आशीष से भर मेरे पिता, तेरे महिमा से भर, तेरे शांति से भर मेरे पिता, तेरी उपस्थिति इनके दोनों के साथ संग संग रहे मेरे पिता, उनके संग संग रहने वाला उनका परमेश्वर है मेरे पिता, हमारे संग भी है उनके संग भी, इसलिए अल्लाह को भी धन्यवाद देता हूँ, इनको तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरे पिता, आगे का समय भी तेरे हाथों में देता हूँ। प्रैक्टिस है बचपन से। तो अभी यहाँ पर खाना ले लिया और सबका ऑलमोस्ट हो गया है, मैं सर्व कर रही थी इसलिए मेरे को लेट हो गया, मेरे को फटाफट फिनिश करना है, सब लोग बोलेंगे कितना देर खा रही, फटाफट खा रही।
बिल्कुल ये उसका गर्दन पकड़ सही से एक फोटो करना तेरा फेस ना बता कैसे हंस रहा है कैप्चर अ मोमेंट नींद आ गई अभी अभी उसको लेके जा रहे नहीं नहीं पकड़ा है वो बोल रहे मम्मी मम्मी कहाँ गई मेरी मम्मी को ढूंढ रहे हो ओ कितनी छान बटे थे मम्मी के लेकिन अभी रेडी हो गया अभी वो घर पे जाने के लिए कट्टर लड़की है लड़की है फुल ऑन कट्टर रही है अभी वो बोल रही अभी चलते को मार ले उसको अभी किसी के पास जाना है इतनी देर से खेल रही थी और एक बाबू है फर्स्ट टाइम कोई बच्चा मेरे पास में आया है और रुका है मतलब लिटरली लाइफ में इतने सालों में पहली बार कोई बेबी मेरे पास आया है मेरे को तो ऐसा लग रहा है ना कोई नहीं हो तो मैं इसको लेके जाती चुपचाप धीरे से लेकिन ऐसा सब लोग है मेरे को लेके नहीं जाने देंगे बुबू बाय फिर मिलेंगे मैं एनालिटिक्स चेक कर रही थी मेरे यूट्यूब के और मेरे वॉचर्स माइनस में जा रहे हैं आई होप आई प्रे टू गॉड के जल्दी जल्दी मेरे वॉचर्स कंप्लीट हो वैसे अभी बज रहे हैं रात के 11 और हम लोग 10 बजे पहुंच गए ना अपन 10 बजे हम लोग आ गए थे और मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था वीडियो बनाते बनाते तो वीडियो एंड करना रह गया था अभी फ़िलहाल मैं वीडियो एडिटिंग के लिए ले रही हूँ आई होप गाइज आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना अगर मेरे चैनल पर नए हो और फिर मिलेंगे किसी ऐसी वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बाय आई लव यू